बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। कनिका 15 मार्च को ही लंदन से लखनऊ लौटी हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि अगर कनिका कोरोना वायरस से पीड़ित थी तो एयरपोर्ट पर वो चेकिंग में क्लियर कट कैसे निकल आई। ये सवाल सभी के लिए सिर दर्द बना हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा सिरदर्दी की बात ये है कि भारत आकर कनिका ने 3-4 पार्टियां अटेंड की हैं। इस बात का खुलासा खुद कनिका के पिता ने किया है। खबरों की माने तो भारत आने के बाद कनिका ने लखनऊ में एक पार्टी अटेंड की, जिसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत समेत करीब 100 लोग शामिल हुए थे। लेकिन कनिका के पिता का कहना है कि उन्होंने भारत आने के बाद 3-4 पार्टियां अटेंड की हैं, इस हिसाब से वो करीब 300 से 400 लोगों से मिली हैं। लेकिन कनिका ने पिता के बयान को नकार दिया है। पिता के बयान के बाद कनिका ने आज तक से बात की और पापा की बात को गलत बताया। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कनिका ने बताया कि उनके पिता ने गलत कहा है। सिंगर ने कहा कि उनके पिता ऐसा नहीं कह सकते। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत लौटने के बाद वो मुश्किल से 30 लोगों से मिली होंगी और जैसे ही उन्हें खुद में फ्लू के लक्षण नजर आए तो उन्होंने सभी को इस बारे में बता दिया था। आपको बताते चलें कि सिंगर कनिका कपूर के मौत की खबर पूरी तरह से झूठी है। अभी फिलहाल कनिका का इलाज चल रहा है।